के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात ही निराली है। दादरी की घटना का जो क्रांतिकारी इस्तेमाल देश में कोई भी नेता नहीं कर पाया, वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया। उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार के 526 करोड़ रुपए के प्रचार बजट का इस्तेमाल करते हुए दादरी की घटना पर विज्ञापन जारी करवाए हैं। यह अलग बात है कि दादरी उत्तर प्रदेश में है और उसका दिल्ली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय नेता की नेता बनने की महत्वाकांक्षाएं उनसे कुछ भी करवा सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मन में एक ही सपना है और वो ये है कि वो एक दिन इस देश में अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी दादरी में कुछ लोगों ने एक मुसलमान को मार डाला। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के नए विज्ञापन की भाषा है, जिसके शब्दों को सुनकर एक बार को तो आप सन्न रह जाएंगे। दादरी की घटना को 10 दिन हुए नहीं कि केजरीवाल दिल्ली में इस घटना पर अपने नए विज्ञापन के साथ प्रकट हो गए। जो केजरीवाल दादरी में जाकर सबसे पहले राजनीति करने वाले नेताओं में शामिल थे, वही अब नेताओं को प्रवचन दे रहे हैं। केजरीवाल ने इस विज्ञापन में ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें सुनकर अगर कहीं दंगे ना भी हो रहे हों तो हो जाएंगे। ये सारे फोकस को ना दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिक्स पे रखते हैं, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। नहीं नहीं, बट आप एक यू बिगर देन दिल्ली, कम ऑन, यू बीन द यू नो द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर टाइम। टाइम इज नॉट पब्लिश फ्रॉम दिल्ली, टाइम इज इन यू, सो पीपल एक्सपेक्ट यू टू कमेंट ऑन अदर इश्यूज एज वेल। आई वांट यू टू कमेंट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दिल्ली। नहीं, आपके अपने तो है ना ओपिनियन, मैं भी कैसे हो सकता है। मैं दिल्ली के अंदर ही रहना चाहता हूं, दिल्ली के बाहर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं। बट यू ट्वीटेड अबाउट उधमपुर सॉरी पठानकोट टुडे। हां, वो तो एज अ कंसर्न दैट इज लिंक्ड विद इंडिया पाकिस्तान, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टू पाकिस्तान। डू यू थिंक इंडिया शुड कंटिन्यू टू टॉक? मैं अभी मैंने कहा मैं दिल्ली के बारे में जवाब दूंगा। आप आपसे एज ए सीएम नहीं पूछ रहा हूँ, एज अरविंद केजरीवाल कॉमन मैन पूछ रहा हूँ। दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ।